यूट्यूब पे आपको किसी ने भी बनाना नहीं सिखाया होगा सिंगापुरियन पराठा, इसको बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आपको इसकी कटिंग से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? मेरी दुआ है आप सब खैर आफियत से रहें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून दे, आमीन। बहुत बड़ी खुशखबरी थी, शबाना आपी का चैनल वापस से जो उनको मिल गया है रिकवर हो गया है। इस खुशी में मुझे मीठा बनाना चाहिए था लेकिन मैंने सारी तैयारी कर ली थी, तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आज सिंगापुरियन पराठा। सिंगापुरियन पराठा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। 1.5 कप मैदा लिया है, इसको सिर्फ सादे पानी से गूंदना है। और किस तरह गूंदना है मैं आपको भी बताती हूँ। मैदा गूंदने के लिए पानी और नमक चाहिए हमें। अच्छा, हमें चिकन चाहिए 1 कप है मेरे पास, इसे मैं मैरिनेट करूँगी, वो भी आपको बताती हूँ अभी। बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, इन तीनों चीज़ों को जूलियन कट कर लीजिएगा। छोटा मैंने मैगी का पैकेट लिया है, उसे बॉईल करके रख लिया है। जो मसाले रहेंगे, नमक मैरिनेट करूँगी तो बताऊँगी कितना चाहिए। ये मैगी का मसाला था वो पूरा सौशे ले लिया है। काली मिर्चें 1/2 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच। और हमें ये जो रोल की और समोसों की पट्टियाँ होती हैं, इस तरह हमें चौकोर पट्टियाँ चाहिए। मैंने 4 ली हैं, 2 पराठे बनाना सिखाऊंगी तो 4 पट्टियों की हमें ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम मैदे को गूंद लेते हैं। सिंपल पानी से हमें गूंदना है। ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाला है। अच्छा, ये देखिए आपको पिंक सॉल्ट नज़र आ रहा होगा, इसके बहुत फ़ायदे हैं। पिंक सॉल्ट खाया कीजिए, इससे जो है बहुत सारी जिस्म के अंदर की बीमारियां और जो है तकलीफ़ें दूर होती हैं, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। और ये पाकिस्तानी ब्रांड का है तो आप जो है ज़रूर यूज़ किए करें। अच्छा, इसको हमने नमक डाल के मैदे को मिक्स कर लिया। अच्छा, अब ये जो गूंदेगा ना, ये बिल्कुल पतला गूंदेगा, जैसे हम दो उसकी पराठे की बनाते हैं वो थोड़ी सख्त होती है, ये थोड़ा पतला गूंदेगा। ये देखिए मैंने एक साथ ही सारा पानी डाल दिया था, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह से बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो है रेस्ट मिल जाए इसको। कोई ज़्यादा इसके अंदर भूनने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसको सिंपल सा पानी डालें और इसको बस भून के रख दें। अब अक्सर से आपने देखा होगा जो बाहर स्ट्रीट पर पराठे बनाते हैं उनकी डो बहुत पतली होती है, वो नहीं होती, सख्त नहीं होती। बस इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। सिंपल थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेंगे और इसको, ये गुन गया है हमारा आटा, इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट दे लेंगे। इतनी देर में हम फ्लिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन हम मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए चिकन को भी मैंने जूलियन कट किया है, ठीक है। इसके अंदर सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डाल रही हूँ साथ ही। नमक इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून। ये पूरा मैगी का जो हमने सॉसे रखा था, ये छोटी मैगी ली है तो मैंने इसका सॉसे भी जो है छोटा होता है, तो ये पूरा मैगी का सॉसे जाएगा, जो मैगी मसाला होता है हो जाएगा। और इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च जाएगी। बस इसको मिक्स करेंगे, इसको भी 10 से 15 मिनट रखूंगी, कवर करके मैरिनेट हो जाएगी, फिर इसको हम तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन के पीस थोड़े पतले भी काट सकते हैं, मैंने थोड़े मोटे काटे, मुंह में आते तो ये अच्छे लगते हैं। इतनी अच्छी इसकी
जो मसाला हम लगाया है इसके अंदर मैरिनेट करने के लिए, सोया सॉस, चिली सॉस, मैगी का मसाला, काली मिर्च, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यह आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, मैं पहली दफ़ा आपको YouTube पे ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। चलिए देखिए, ये मसाला लगा दिया हमने चिकन पे, ये मैरिनेट हो जाता है, फिर इसको हम तैयार करते हैं। देखिए फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, चूल्हे पे रख दिया ये। इसके अंदर ऑयल बहुत थोड़ा सा जाएगा, 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना हमें, बस काफ़ी है इतना। चिकन भी हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, बस ऑयल डाला हमने पैन में, इसके साथ ही इसमें हमने ये चिकन डाल दी। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसको मैं हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। थोड़ी सी ये चिकन सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर सब्जियाँ डालूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पे रखी है मैंने। देखिए चिकन को 5 मिनट हो गए हमें रखे हुए, चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, पानी खुश करती हूँ इसका मैं, और ये देखिए नज़र आ रही होगी आपको, चिकन मिनटों में गलती है। अगर आप चाहें तो इस गल ये चिकन गल गई है, इसको पीस यहीं छोटे कर सकते हैं अगर आपको बड़े लग रहे हैं तो। इस स्पैचुला की मदद से मैं थोड़े थोड़े छोटे करके आपको दिखा भी देती हूँ, ये छोटे कर रहे हैं पीस। देखिए इसका पानी खुश्क हो रहा है, थोड़ी सी आंच बढ़ा दें, ये देखिए कितनी अच्छी सी गल गई है ये। बस ये हमारी चिकन तैयार हो गई है। सबसे पहले इसके अंदर मैं गाजर डालूंगी, मिक्स करूंगी, एक बड़ा पीस रह गया था कट नहीं हुआ था। शिमला मिर्च डालूंगी, मिक्स करूंगी, बंद गोभी डालूंगी, इसको भी मिक्स करूंगी। नमक मैंने डाल दिया था मैरिनेट में, मैरिनेट की थी चिकन। अगर आप चख लें इस टाइम, अगर कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसके अंदर आप नमक ऐड कर सकते हैं। अभी मिक्स कर लिया, ये जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे ये डाल रही हूँ। थोड़ी देर तो ये डालो तो ऐसा लगता है जैसे मिक्स नहीं होंगे, इकट्ठे हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद इस पर आँच लगती है तो ये मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए हल्के से ये गर्म हुए, ये मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। पैन थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ी मुश्किल होती है इसमें चीज़ को मिक्स करने में। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिए इसकी तरह, हमें इसको अंदर ज़्यादा चीज़ों को कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है और ये हमारा सब कुछ तैयार हो गया। देखिए मिक्स हो गया हमारे नूडल्स। इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, मिक्स करके इसको ठंडा करती हूँ, फिर इसका हम पराठा बेलेंगे। अच्छा ये देखिए एक कढ़ाई ली है, ये फ्राई होंगे तो इसके अंदर मैं तेल डाल रही हूँ और हल्की आंच पे इसको गरम करने रख रही हूँ तेल को। जब तक तेल हमारा गरम होगा हम पराठा बेल के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी चिकन और वेजिटेबल्स तैयार कर गई थी, वो ठंडी हो गई है, इसको अब एक तरफ रखते हैं।
और ये देखिए आटा मैंने आपको बताया था ना कितना पतला होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए इसी तरह से होना चाहिए, ये उठाएंगे तो आपको इस तरह नज़र आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये चॉपिंग बोर्ड या इस तरह का ये लेंगे, इस पर थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा हाथों में भी ऑयल लगा लीजिए। हम एक थोड़ा सा आटा इस लेंगे और इसकी इसको फैलाएंगे, इस पर ऑयल लगाती रहिए, थोड़ा ये पतला होता है तो ये चिपकता है। ऑयल मैंने पराठे के लिए फ्राई करने, जो हमें फ्राई करना है पराठा, उसके लिए मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। भले ये आसपास किनारों से थोड़ा सा पतला भी हो जाए, फटने लग जाए, कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा से इसकी शेप वो जगह चेंज करके पलट के इसको फैला लीजिए। अच्छा, अब इसके ऊपर हम ये देखिए एक ये शीट रखेंगे इस तरह से रख के, ये जो हमने इसका मसाला तैयार किया है ये डालेंगे इसमें, अच्छी तरह से कवर कर लीजिए इस मसाले पे। इसके ऊपर हम अब ये दूसरी शीट रखेंगे, ठीक इस तरह से इसको कवर करेंगे और ये उठा के चारों तरफ से इसको हम इस तरह कर लेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये इतना अच्छा सा जो है हमारा पराठा तैयार होगा। चारों तरफ से इसको बिल्कुल जो जगह नज़र आ रही है उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से कवर कर दीजिए। ये देखिए तैयार हो गया है हमारा। इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको तैयार करके बता देती हूँ, इसको मैं साइड पर रख। इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, इसको बिछाएंगे हाथों से, इसकी मदद से इसको बिल्कुल फैला देंगे। थोड़ा शीट जो हमारी ये है चकोर जो हमने करके रखी है, ये थोड़ी उसकी पट्टी होती है, रोल की पट्टी होती है, तो मैंने इसको काट के थोड़ा छोटा कर लिया है। अगर इससे छोटा करना चाह रहे हैं तो आप इसे भी छोटा कर लीजिए। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, तना रख बनाया हमने, फिर दोबारा से इसके ऊपर ये हमने शीट रखी, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लीजिए हाथ की मदद से, थोड़ा ये बड़ा ही होना चाहिए इससे। हमने सब्जी रखी, चिकन रखी, नूडल्स बहुत ही मज़े के, अगर इसी तरह बच्चे खाना चाहें, ये बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट है, बच्चे तो बहुत खुशी से खाएंगे इसको। इसी बहाने से बच्चे जो है सब्जियां भी खा लेंगे, नहीं तो बच्चों को सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये देखिए शीट दोबारा से कवर करी इसको हमने, ये चारों तरफ से कर दी। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा ना थोड़ा सा, तो मैं इसको सारा कवर कर दूंगी अच्छी तरह से। चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है और ये पराठा भी हमारा तैयार हो गया है, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हल्की आंच पे तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है, अब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको भर दूँगी, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के इसको चारों तरफ से फ्राई कर दूँगी। तेल मैंने इतना ही डाला है कि ये फ्राई हो, नीचे से डीप फ्राई नहीं हो, सिर्फ फ्राई नीचे शैलो फ्राई होते हैं, ये शैलो फ्राई हों।
हल्का सा ये दूसरी तरफ फ्राई हो गया होगा, मैं इसको पलट के साइड चेंज कर देती हूँ। अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा जब निकालूंगी मैं इसको। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है इसका। अब 1-2 मिनट इसको लगेंगे, फ्राई हो जाएगा हमारा चाट। और इतना क्रिस्पी बनता है ये, बहुत मज़े का बनता है। आवाज़ आ रही होगी आपको, इतना क्रिस्पी इतना मज़े का लग रहा है। ये देखिए हमारा सिंगापुरियन पराठा तैयार है। हाँ, सिंगापुरियन पराठा छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत से तैयार है। दूसरा भी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए सिंगापुरियन पराठा तैयार है और जो बैटर बच गया था उसके हमने रोल भी बना लिए हैं। इसको कट करके लास्ट में दिखाऊंगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।